पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ रही है मेरी भतीजी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब जब वो स्कूल में आया था, मतलब ये लगा रहा कि उसको कुछ भी नहीं आता था, नाउ ही इज़ अप टू मार्क। और फर्स्ट ईयर स्कूल से हम बहुत खुश हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपने बच्चे के लिए भी और स्कूल के लिए भी। पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानते, जो उनके गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, टीचर, उनकी बात जरूर मानते हैं। उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी हुई है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। इन फ्यूचर सोच रहे हैं बच्चे के एडमिशन के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि अभी एनुअल एग्जाम भी चल रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में शंकर कॉलोनी में मौजूद हूं और यहां पर फर्स्ट स्टेयर प्ले स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा है। फर्स्ट स्टेयर यानी कि पहली सीढ़ी, यानी कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहली सीढ़ी उनकी होती है और कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं। आइए आज हम अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा आज जो परफॉर्मेंस दी जा रही है उनको देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बच्चे, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे हैं सारे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं इन्होंने डांस। सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, जिनका आज इनका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल डांस हुआ उसमें मेरी भतीजी थी, उसमें टीचर्स की बच्चे बातें भी बहुत अच्छे से मानते हैं, जिससे कि उन्हें डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है और डांस वगैरह सब कुछ सीखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को हर एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से सिखाना बहुत मुश्किल होता है, जो एक अच्छा ही टीचर सिखा सकता है। पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ रही है मेरी भतीजी, वो बहुत पढ़ाई में भी अच्छे से पढ़ती है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमेशा और डांस में भी हमेशा आगे रहती है। निधि दादरी से, छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है छोटे बच्चों को सिखा पाना काफी चैलेंजिंग होता होगा? ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है सर, हम घर पर इनको जब सिखाते हैं तब कुछ भी कराने में इतना टाइम लग जाता है, तो हैट्स ऑफ द टीचर्स जो इतने छोटे छोटे बच्चों को संभालते हैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, यहीं पढ़ता है। कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चे में? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब जब वो स्कूल में आया था, मतलब ये लगा रहा कि उसको कुछ भी नहीं आता था, नाउ ही इज़ अप टू मार्क। अभिभावकों से बातचीत कर लेते हैं जिनके बच्चों ने थोड़ी देर पहले परफॉर्मेंस दी है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? प्रशांत। छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी स्टेज पे, कैसा लगा? बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। आपके बच्चे ने भाग लिया था क्या इस डांस में? जी। कैसा लग रहा था? बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था। क्या ऐसे आप घर पे सिखा पाते उसे? घर पर इतना नहीं हो पाता, जो टीचर ने कह दिया वो तो बिल्कुल मान लेते हैं तुरंत ही, घर पर फिर भी जिद करेंगे। स्कूल में बिल्कुल डिसिप्लिन से रहते हैं बच्चे। जी, कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चों में यहाँ? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से लर्निंग कराई जा रही है बच्चों को, विद ऑल द अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। बच्चा बहुत ही चीज़ें सीख भी रहा है और बहुत ही अच्छे से बिहेव भी कर रहा है। चलिए कुछ बच्चों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मानवी। मानवी, आपने क्या डांस किया वहाँ पे? जो भी हो जाओ स्कूल में। कितने दिन लगे आपको ये सीखने में? 5 डे में। किसने सिखाया? सर। सर ने सिखाया। कैसा लग रहा था आप वहाँ पे जब स्टेज पे थे तो? अच्छा। रिंकी, आपके बच्चों ने भी क्या परफॉर्मेंस दिया? हाँ जी सर। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्कूल के टीचर्स ने भी जितनी मेहनत की है, हमारा बच्चे को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बारीकी से स्टेप फॉलो करते हैं, ऐसा पॉसिबल हो पाता है? नहीं सर, नहीं हो पाता है। इसके पीछे बच्चे की मेहनत तो है ही ऑफकोर्स, बट टीचर्स की उससे भी ज़्यादा है। और फर्स्ट ईयर स्कूल से हम बहुत खुश हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपने बच्चे के लिए भी और स्कूल के लिए भी। सर हम खुश भी हैं कि वो टीचर्स की बात ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टीचर्स पहले माँ बाप होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है यहाँ पढ़ाई करने का? सर बहुत इम्प्रूवमेंट है, कहने को ये प्ले स्कूल है, बट नर्सरी प्री नर्सरी की जो पढ़ाई होती है वो इन्होंने पहले से ही इसको करवा रखी है, तो हमारा बच्चा एडवांस बच्चा कहलाता है आज के दिन पे। खुशबू बहन सर, आपके बच्चे नहीं एडमिशन कराएंगे अब हम इस स्कूल में। क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सुनने में आया है, अभी खुला है, हर फैसिलिटी है। आपको कैसा लगा बच्चों का डांस? बहुत अच्छा। ऐसे ही बोलते हैं जब मैडम ने, ऐसे नहीं ऐसे बताया है।
बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते घर, पेरेंट्स की नहीं मानते। ऐसा क्यों होता कि पेरेंट्स की नहीं मानते? पता नहीं क्या उनमें क्या खूबियाँ हैं मैडम में, मैडम की ही मानते हैं। शीतल गोयल, बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा भी फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस कर रहा है, वो दूसरे स्कूल में क्रश किड्स होम में, आज पहली बार उसने परफॉर्मेंस किया स्कूल में। तो कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी हुई। क्या आप बच्चे को घर पे ऐसा सिखा पाते? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे हमेशा ऐसे ही होता है, पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानते। जो उनके गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, टीचर, उनकी बात ज़रूर मानते हैं। एज अ मदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को सिखाने में, लर्निंग में। एज अ टीचर तो फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि है ना बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एंड फर्स्ट टाइम दी। बहुत हार्ड वर्किंग मैम इनकी, और इनकी मैम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छा सिखाया है मैम ने बच्चों को, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इसमें मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों हैं। बच्चों में कैसा इम्प्रूवमेंट? बच्चों में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मेरा नाम हीरल है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन ने भी अभी कुछ देर पहले परफॉर्म किया था। सोशलाइज तो स्कूल में ही होता है, घर पे तो सिर्फ पेरेंटिंग ही हो सकती है, सोशलाइज तो स्कूल में ही हो पाता है। कभी कभार सच भी बोलती है, टीचर ने ऐसा ऐसा बोला, कभी कभार वो अपने आप बना कर भी बोलती है। कितना इम्प्रूवमेंट है आपके सिस्टम में यहाँ पढ़ने के बाद? उसका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी हुई है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। रीना, कैसा लग रहा है बच्चों की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये मेरी बेटी है, उन्हीं के बारे में बता रहे थे, मेरी छोटे वाली बेटी है। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पढ़ने? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का बढ़ा है, और एक्टिविटी में भी बहुत मतलब अच्छे से वो पार्टिसिपेट करती है, डांस वगैरह सब कुछ है। स्टडी वाइज भी बहुत अच्छा, और स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। घर पे रह के ये चीज़ नहीं हो पाती, ये तो बच्चा स्कूल से ही है, जो भी डेवलपमेंट स्कूल से होता है घर का, घर पे होता है पेरेंट्स से जो होता है। अदरवाइज ये सारा माहौल हम घर पे नहीं दे सकते, स्कूल का स्कूल पे ही होगा। अंजलि कालरा, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेज पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका स्टेज फोबिया दूर हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए। सर, टीचर का जो सिखाने का तरीका होता है वो अलग होता है, पेरेंट्स का अलग होता है। और हाँ, बच्चे टीचर की बात को ज़्यादा मानते हैं, ऑफकोर्स मानते हैं सर। बच्चे उसको एज ए मदर ही ट्रीट करते हैं, तो ज़्यादा टीचर की सुनते हैं, ये मैंने खुद ने नोटिस किया है। सर, इंदू वाला, छोटे छोटे बच्चे सामने परफॉर्मेंस कर रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आगे जाके इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। मेरा जी नाम श्याम लाल। कैसा लग रहा है छोटे छोटे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया एकदम देखने में, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की। आपके परिवार से कोई पढ़ता है? नहीं सर, स्टाफ मेंबर्स हैं, बट इन फ्यूचर सोच जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इन फ्यूचर सोच रहे हैं बच्चे के एडमिशन के लिए। क्या कारण है कि आप सोच रही हैं? बिकॉज अभी बच्चा छोटा है सर, फ्रेशर है, इसलिए एज नहीं हुई है बच्चे की, एज हो जाती है तो इसलिए थोड़ा वे भाई देखना, थोड़ा सा विजिटिंग पहले अच्छी रहती है इसीलिए। अच्छा, मैम आपसे पूछ रहा था, ऐसा क्या कारण है कि बच्चे के एडमिशन की आप सोच रहे हैं? सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अवेयरनेस, बहुत ही अच्छा है, तो ये हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरा बच्चा सबसे आगे है, तो ये चीज होनी चाहिए। कुछ अभिभावकों से और बच्चों से बातचीत कर लेते हैं जो इस वक्त फर्स्ट स्टेयर प्ले स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है जी? पूजा। आज कैसा कार्यक्रम लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक्सपेक्टेशन जो करके आए थे उससे ज्यादा काफी अच्छा लगा है मुझे। अब बच्चे में भी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है, मेरे बच्चे में भी। जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़िया था। अच्छा, एक बात बताइए, जो आज स्टेज पे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे, क्या घर पर ये सिखाना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स की बहुत ज्यादा मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि अभी एनुअल एग्जाम भी चल रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एग्जाम के साथ साथ बच्चों को प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराई है, काफी अच्छा प्रोग्राम है। सारे बच्चों ने, इवन प्ले स्कूल के बच्चों ने, प्ले क्लास के बच्चों ने बहुत बढ़िया एग्जाम दिया। बिल्कुल, मैम से भी बहुत प्यार करते हैं, मैम बहुत कोऑपरेट करती हैं, बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों में, और एक स्टेज में आने के बाद में इतने बड़े स्टेज में बच्चों को परफॉर्म करना, ये तो मतलब एक ड्रीम जैसा हो रहा है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।